राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने सोमवार संसद के शीतकालीन सत्र में शून्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश के धार जिले अंतर्गत खलघाट मानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर आए दिन होने वाली गंभीर सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार और विभागीय मंत्री के ध्यानाकर्षण में लाकर अविलंब समाधान करने का आग्रह किया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने सभापति के माध्यम से सरकार से आग्रह किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए ठोस से भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है। कोई मूल्यांकन होना चाहिए ताकि कोई माँ अपने लाल को और कोई बहन अपने भाई को राखी बांधने के लिए न तरसे। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, नर्मदे हर। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार एवं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है और विगत 8 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में इसका विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। दुर्घटनाएं सामान्यतः होती है, लेकिन किसी निश्चित स्थानों पर होना गंभीर चिंता का विषय है। माननीय सभापति महोदय, मैं मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र का रहने वाला हूँ। आज देश में लगभग सभी लोग निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धार जिले में स्थित खलघाट मानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 के मध्य होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के बारे में जानते हैं। इस मार्ग पर न जाने कितनी माताओं ने अपने बेटों को, कितनी बहनों ने अपने भाइयों को और छोटे छोटे मासूम बच्चों ने अपने माता पिता और अन्य सगे संबंधियों को खोया है और ये दुर्घटनाएं निरंतर बनी हुई है। माननीय सभापति महोदय, इस मार्ग के गणेश घाट पर 2 किलोमीटर के दायरे में सैकड़ों दुर्घटनाएं हो चुकी है जो कि निरंतर होने वाली घटनाओं का स्थान बन चुका है। यह एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। इसका निराकरण अविलंब होना चाहिए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार आज मैं सदन के समक्ष खलघाट मानपुर दूरी लगभग 50 किलोमीटर सड़क दुर्घटनाओं के विषय पर हुए एक अध्ययन का जिक्र करना चाहूँगा, जिसके अनुसार वर्ष 2016 से 2018 तक कुल 978 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 1267 लोगों की मृत्यु हुई है। इस दौरान वर्ष 2016 से 2018 के बीच 626 माइनर बच्चे एवं न जाने कितने नौजवानों की जीवन लीला समाप्त हो चुकी है। क्षेत्र के जनता ने इस सड़क मार्ग पर गणेश घाट पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मार्ग की तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए कई बार मांग की है, जो आज भी लंबित है। माननीय सभापति महोदय, मेरा सरकार एवं माननीय परिवहन मंत्री जी से विनम्र आग्रह है, निवेदन है कि इस सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए ठोस से भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है। कोई मूल्यांकन होना चाहिए ताकि कोई माँ अपने लाल को और कोई बहन अपने भाई को राखी बांधने से वंचित नहीं रहे। मेरा यही विनम्र आग्रह है। जय हिंद, नर्मदे हर। श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी, बड़वानी से दिलावर खान की रिपोर्ट।